हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शैली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कैप, या आप वुलन पग इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पिंक, येलो एंड ग्रीन कलर की वूल ली है। सबसे पहले हम इस वूल की स्ट्रिप्स को कट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक डायरी ली है और उसके अराउंड मैं अपनी वूल को रैप कर रही हूँ। तो 8 टाइम्स मैंने अपनी पिंक वूल को रैप करना है और 8 ही टाइम्स येलो एंड ग्रीन वूल को रैप करके हम इन स्ट्रिप्स को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ऐसे रैप कर लिया, फिर हम एक बार सेंटर से इस तरीके से कट करेंगे। तो ये जो है हमारी वुलन स्ट्रिप, ये एकदम रेडी है। और इसी तरीके से मैंने येलो एंड ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स को रेडी कर लिया है। अब हम इनको एक एंड पे टाई करेंगे। तो आप तीनों में से कोई भी कलर की स्ट्रिप ले सकते हैं। इनको इस तरीके से हमने एंड पे टाई कर लेना है। तो बहुत ही इजी मेथड मैं आपके लिए लाई हूँ। अब हम विंटर के क्लोथ्स बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। विंटर सीजन तो ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से रैप किया और फिर हम यहाँ पे एक ब्रेड बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सी ब्रेड बनानी है और इसको हमने ज़्यादा टाइट नहीं करना है और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है। एकदम मीडियम सी हमने इसको ऐसे बनाना है और पूरे हम फुल लेंथ तक इसको बनाएंगे। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर के अप्रोक्स जो है इसकी लेंथ होगी हमारी वूल की। और इसको हमने फुल लेंथ तक इस तरीके से बनाना है। दूसरे एंड पे अगेन हम वुलन थ्रेड लेंगे और इसको हम टाई करेंगे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में टाई किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे एंड में भी इसको इसी तरीके से रैप करके, वूल को रैप करके हमने यहाँ पे टाई कर देना है। तो इसको भी हम अच्छे से 3-4 टाइम्स नॉट लगा के अच्छे से टाई कर देंगे। और जो भी हमारे ये एक्सेस थ्रेड जो है इनको हम कट कर लेंगे। तो जो भी एक्सेस थ्रेड हमारे हैं स्टार्टिंग और एंड के, उनको हमको अच्छे से कट कर लेना है। दोनों एंड्स पे हमने कट कर लिया और अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इसकी इस तरीके से पहले एक सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने लड्डू गोपाल जी के हेड का मेजरमेंट ले लीजिए। जितना भी उनके हेड में पग का साइज उसी हिसाब से बनेगा। तो ये जो स्टार्टिंग वाला सर्कल है ये उस साइज को डिफाइन करेगा और फिर हम उसके ऊपर इस तरीके से दूसरा सर्कल जो है वो स्टिच करेंगे। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का मेजरमेंट कर लीजिए, उनके हेड पे एक बार लगा के देख लीजिए कि हमारा सर्कल जो है फर्स्ट वाला कितना डायमीटर का होना चाहिए। उसी हिसाब से आप इसको सर्कल को बनाइए और उसके ऊपर दूसरा सर्कल इस तरीके से रख के हम स्टिच करेंगे। तो ये जो कैप है, ये जो पगड़ी है, वो किसी भी साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए हम बना सकते हैं। अगर आपके बड़े साइज के लड्डू गोपाल जी हैं 8 या 9 नंबर, तो आपको जो हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिप हमने ली थी उसको आप और बड़ा कर लें। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर बड़े साइज का बनाना है तो क्या करना है। तो आपको क्या करना है, एक तो डायमीटर ऑफ द सर्कल हमारा ज़्यादा रहेगा तो इसके लिए हमारी जो स्ट्रिप रहेगी वो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, तभी सर्कल जो है वो अच्छे से 2 सर्कल कंप्लीट हो पाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अच्छे से स्टिच करने के बाद बैक साइड में लेके जाएंगे और बैक साइड में अच्छे से हम यहाँ पे नॉट लगा के अपने वूल को कट कर देंगे। तो देखिए हमारी जो पग है वो एकदम रेडी है। मुझे तो ऐसी भी बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे बीड्स या स्टोन से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो देखिए ये पगड़ी ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऐसे छोटी छोटी बीड्स जो हैं वो आप स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अगेन पिंक कलर की वूल ली है और ये इस तरीके से मैं इन बीड्स को स्टिच करूँगी अपने पग में। तो ये ऑप्शनल स्टेप है, क्योंकि विदाउट बीड्स भी ये कैप बहुत सुंदर लगती है। और अगर आप इसको और सुंदर बनाना चाहें तो आप इसको बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी बीड्स हम ऐड कर सकते हैं। और देखिए हमारी जो ये लड्डू गोपाल जी की पगड़ी है वो एकदम रेडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हो, कमेंट्स हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।